आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रोहतास की गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर, कई ममालिक से स्कॉलर्स की शिरकत। CAA के निफाज पर RJD तर्जुमान एजाज अहमद का शदीद रद्द अमल, पोलराइजेशन के खिलाफ जदोजहद जारी रखने की कही बात। जात पात पर मर्दमशुमारी के बावजूद मुस्ताक मुसलमानों को सियासत में मुनासिब नुमाइंदगी ना देने, पसमानदा मुस्लिम मोर्चा का इल्जाम। रियासती वजीर देही तरक्की श्रवण कुमार ने फुलवारी शरीफ ब्लॉक की 250 जीविका दीदियों को एजाज से नवाजा। रोहतास जिले के जमूहर में वाकई गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर हुई। मुख्तलिफ शुबों में रिसर्च और खवातीन का किरदार के मौजू पर मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक से 50 मुकर्ररीन और मुल्क की तकरीबन हर रियासत से कुल 70 मेहमान मुकर्ररीन ने शिरकत की। नायब वजीर आला विजय सिन्हा, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट नई दिल्ली के की डायरेक्टर डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, UGC के साबिक चेयरमैन डॉक्टर DP सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों में आलमी सतह पर खवातीन की फ़ाल शिरकत को जाहिर करना और इसे फ़रोग देना था। इस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, वियतनाम, रूस, फ्रांस, जर्मनी समेत तकरीबन 15 ममालिक के रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की है। का माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग सुनेंगे, लेकिन जिस भारत भूमि पर हम जन्म लिए, यह विश्व का पहला राष्ट्र है जिसको हम भारत माता के नाम से पुकारते, और जिस राष्ट्र पर जन्म लेते हैं उसको जब माता हम कहते हैं, पिता हम नहीं कहते, माता कहते हैं। यही स्पष्ट करता है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले की सोच क्या है। और इतना ही तक नहीं, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तो सनातन सत्य का उदय और सनातन सत्य में जो पहचान मिली है वो आदिशक्ति भगवती जो प्रकृति के रूप में विराजती है। शहरियत तरमीमी कानून CAA के निफाज पर आजरी तर्जुमान एजाज अहमद ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए और इंतखाबात के पेश नज़र CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया। एजाज अहमद ने मजीद कहा कि हम मुआशरे में पोलराइजेशन के खिलाफ मुसलसिल जदोजहद करेंगे, रोजगार और बेहतर सेहत और तालीम के मामले पर मरकजी हुकूमत को घेरेंगे। CA को अपने पिटारे से लेकर के बाहर आई है हेडलाइन बदलने के लिए। जब नौजवान इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। नौजवानों को रोजगार का मामले पर पसमानदा मुस्लिम मोर्चा के कौमी सदर कमाल अशरफ ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने जात पात पर मर्दमशुमारी का हवाला दिया और कहा कि सर्वे के बावजूद इंतहाई पसमानदा मुसलमानों को सियासत में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। मोर्चा के लीडर असगर अली खान ने कहा कि BJP ने अपने हिंदुत्व एजेंडे को जहन में रखते हुए जिस तरह सोशल इंजीनियरिंग की है, उसने समाजी इंसाफ और सोशलिज्म के नारे लगाने वालों को भी सबक सिखाया है। लेकिन अभी जो हिस्सेदारी दी गई, राज्यसभा में 0 कर दिया गया और विधान परिषद में जो 3 मुस्लिम चेहरा दिया गया, 1 जदयू ने दिया, 2 RJD ने दिया, वो तीनों शेख और सैयद को दिया। जबकि गणना का रिपोर्ट ये कहता है कि 3 लाख भी आबादी पूरे बिहार में सैयदों की नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो क्या जो 74% जो पिछड़ा मुसलमान है वो आपका वोट बैंक बना रहेगा क्या? आप अपनी रैली को देख लीजिए, जो भी आपने जन विश्वास रैली को जिसको महारैली आपने कहा, अगर माले के लोग नहीं शामिल होते ना तो रैली फ्लॉप थी। और आप उसका सर्वे कर लीजिए, उसमें मुसलमानों की सदारी।
पटना के फुलवारी शरीफ ब्लॉक की 250 जीविका दीदी अपने कारोबार के साथ तरक्की कर रही हैं और ऐसे में SJY की इस्तीफादा कुरिंदगान को रियासती वजीर देही तरक्की श्रवण कुमार ने इजाज़ से नवाजा। इस स्कीम के तहत कई खवातीन मुख्तलिफ शोबों में दुकानें चलाकर खुद इन्हिसार हो गई हैं। पटना ज़िले में इस स्कीम के तहत अब तक 2200 से जायद इस्तीफादा कुरिंदगान का इंतखाब किया गया है। है मिशन स्वावलंबन उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत फुलवारी शरीफ की 250 दीदी 250 दीदी को हम लोग ग्रेजुएट किए हैं। जो कहते हैं कि उनको मतलब वो एक है कि एक सीमा पे पहुंची हैं जहां वो 10 से 12 हज़ार ऊपर अपना वो इनकम कर रही हैं, ताकि वो जो गरीबी रेखा में थी वो ऊपर आई हैं, रोज़गार कर रही हैं। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोज़गार होते हैं, जैसे खेती में है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, गौ है आपका, फिर सिंगार दुकान है, किराना दुकान है, इस तरह से वो दीदियाँ कर रही हैं। उसके बाद हमने आज दूसरा जो करवाया है, जो हमारे माननीय मंत्री साहब के द्वारा हुआ है कर कमलों से, 55 दीदियों का आज के दिन व्यवसाय राष्ट्रीय जनता दल के MLA भाई वीरेंद्र ने कहा कि अमित शाह ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई के ताल्लुक से जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो गलत है। RJD MLA ने कहा कि NDA 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और गलत आदमी इधर से मैं भी विरोधी हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, और ये बात बोलना देश के हित में नहीं है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा ठीक नहीं है। जिस तरीके से कार्रवाई पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस महिला सेल की सदर शरबत जहां फातिमा ने कहा कि कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कांग्रेस के पास बहुत से एजेंडे हैं जिन पर मुल्क के अवाम अपना वोट डाल सकते हैं। इंडिया इतिहाद पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप सब जान रहे हैं कि हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 6700 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, और इस पदयात्रा को उन्होंने 5 न्याय के साथ एक नाम दिया है, महिला न्याय, युवा न्याय, बेरोज़गार न्याय और किसान न्याय। तो आज हम युवा न्याय और बेरोज़गार न्याय, समझिए एक तरह से दोनों ही, क्योंकि युवा आज के डेट में बेरोज़गार काफ़ी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। उन्होंने बांसवाड़ा BJP में शामिल होने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचने वाले MLA संगीत कुमारी ने RJD लीडर्स और कारकुनों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर आप किसी MLA की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो एक आम खातून की क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर खातून MLA की बेइज्जती की गई। इस मौके पर संगीत कुमारी ने कहा कि मोहनिया में तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा। देखिए, ये तो मोहनिया की जनता के लिए और मोहनिया में विकास की गति को तीव्र करने के लिए मैं काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोहनिया में विकास हो। अगर मैंने ये कदम इस तरह की बस जनता को विकास देना चाहती हूँ, और रही बात मान सम्मान की, तो एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि राजनीति में जब महिलाएँ आती हैं तो समाज का दृष्टिकोण, और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने जिस तरह से देखा कि ये एक चीरहरण महिला का, खासकर एक विधायक महिला का होते देखा, ठीक है, जनता है, जनता के सम्मान का भी हम करते हैं, जनता हमें। CPI ML की शशि यादव को MLC उम्मीदवार बनाया गया है। शशि यादव ने उन्हें मौका फराहम करने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि जिस अंदाज में सड़कों पर तहरीक में हिस्सा ले रही हैं, कानून साज काउंसिल के अंदर भी आवाम के मफादात को उजागर करेंगे। और इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश करूंगी, पार्टी की जिम्मेवारियों पर पूरी तरह से मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। देखिए, आज मतलब कह लीजिए कि स्कीम वर्कर्स बिहार में 7 लाख से ऊपर स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, और इसके साथ जितने भी श्रमिक महिलाएं हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, और इसके साथ जितने कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं।
बिहार स्टेट नोनिया बिंद बेलदार फेडरेशन कॉन्फ्रेंस बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह साबिक नायब वजीर आला रेणु देवी ने किया। जलसे से खिताब करते हुए रेणु देवी ने कहा कि नोनिया बिंद बेलदार बरादरी की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। इन्होंने कहा कि बिहार में सीटों की तकसीम को लेकर NDA में कोई मसला नहीं है। इन्होंने RJD को भी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए ऐसा हमारे यहाँ कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टिकट शेयरिंग ऑलरेडी हमारा पक्का है और कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ कोई खटखट भी नहीं। इसलिए कोई चिराग पासवान तो हमारे हनुमान जी हैं, तो वो का क्या कैसा संकट होगा। हनुमान जहाँ रहेगा, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, तो हनुमान और राम एक। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कौमी सदर डॉक्टर सुजानंद प्रसाद सिंह नवादा लोकसभा से BJP के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। डॉक्टर सुजानंद प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर हम नवादा पार्लिमानी हलके की बात करें तो यहाँ के लोगों की मोहब्बत, आशीर्वाद और प्यार हमेशा उनके साथ रहा। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। और मैं गरीब जनता का सेवा किया। कोरोना पीरियड में भी हजारों लोगों को जान बचाया। वहां रहकर जाकर वहां के लोगों को सेवा किया। आज वहां की जनता के द्वारा 100, 200, 400, 500, 5000 तक आ चुके हैं। धन्यवाद। समाजी बहबूद के वजीर श्रवण कुमार, नालंदा के रुकन पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार और कानून साज काउंसलर रीना यादव ने बिहार शरीफ के नए सराय और मोरा तालाब में गदागिरी रोकथाम स्कीम के तहत सेवा कुटीर और शांति कुटीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर श्रवण कुमार ने कहा कि शांति कुटीर में 50 खवातीन के लिए रिहाइश, खाने और दीगर ज़रूरी सहूलियात का इंतजाम किया गया है। ये उन खवातीन के लिए पनाह होगी जो भीख मांगकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सेवा कुटीर में मर्द गदागरों को रखा जाएगा। यहाँ उन्हें खुराक, रिहाइश और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। शांति कुटीर में अब तक 428 खवातीन को पनाह दी गई है, जिनमें से 320 को उनके खानदानों से मिलाया गया। नालंदा जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना के तहत शांति कुटीर का भी आज शुभारंभ किया गया है और सेवा कुटीर का भी शुभारंभ किया गया है। शांति कुटीर में 50 महिलाओं को रहने का, ठहरने का, खाने का पूरी तरह से बंदोबस्त है। अब शांति कुटीर इसी भवन में स्थानांतरित होके आना है। पहले ये मघरा में संचालित था और क्योंकि वहाँ जगह की कमी थी और ओपन स्पेस बहुत कम था, जिससे कि वहाँ के लाभार्थियों को बाहर में कुछ नहीं करवाया जा रहा था और यहाँ पे ओपन जिम रहने के चलते उन लोग को स्वास्थ्य सुविधा संबंधी कार्यक्रम करवाए जाएंगे। भागलपुर में हवाई सर्विस के लिए हुकूमत से मंजूरी मिलने के बावजूद ज़मीन की कमी की वजह से कमर्शियल परवाज़ों के लिए हवाई अड्डा नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड के रियासती जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर सभानंद मुकेश ने जिला मजिस्ट्रेट भागलपुर को मेमोरेंडम सौंपा। सभानंद मुकेश ने कहा कि जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता हवाई अड्डे की तामीर में कम अज कम 5 साल लगने का इम्कान है। DM साहब से आग्रह कर रहा था कि जो वर्तमान जो एयरपोर्ट है उनके बड़ा उनके तरफ से इनकरेजिंग है और ये आ रहा है कि एयरपोर्ट को चालू करना चाह रहा है, तो उसी संदर्भ में मैंने कहा कि ये जो वर्तमान में हमारा जेल है, सेंट्रल जेल है, और ये काफ़ी पुराना है और शहर के बीच जो बीच सेंट्रल जेल भी रहना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये दोनों को मिला करके हम लोग बड़ा एयरपोर्ट अभी। लोकसभा इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होते ही MC, MC के तमाम
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस हवाले से जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सियासी जमातों और उम्मीदवारों की मर्जी के ताबे नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि इश्तिहारात के जरिए किसी खास फर्द या तबके को उजागर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस पर पाबंदी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने मीडिया को सच्चाई और गैर जानबदारी के साथ अहम किरदार अदा करने पर जोर दिया ताकि पुरअमन तरीके से इंतखाबात का इनेकाद हो सके। कमेटी की बैठक हम लोगों ने की है, इसमें हमारे मीडिया के कई बंधु शामिल थे आज, जिन्हें कि विशेष रूप से एमसीएमसी और मीडिया को सांग के दायित्वों के बारे में अभी बताया गया है। खास करके जब आचार संहिता लागू होगा उस समय कई प्रत्याशी या कई पार्टी प्रायः ऐड के नाम पे अपना वो विशेष ऐड कर जाते हैं या न्यूज़ के नाम पे अपना ऐड कर जाते हैं, उन सभी अखबार के पन्नों पे एवं उन सभी चैनल्स या जो सभी न्यूज़ पे हम लोगों की नज़र रहेगी। एमसीएमसी कमेटी उसको मॉनिटर करेगी और ये डिसाइड करेगी कि ये पेड न्यूज़ है या न्यूज़ है, और वो जो कमेटी डिसाइड करेगी वो बीएसपी की जानिब से 6 नुकाती मुतालिबात को लेकर जहानाबाद ज़िले के कारगिल चौक के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीएसपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व्यास मनीदास ने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में एक तरफ मनुवादी और दूसरी तरफ गैर मनुवादी के बीच इंतखाब होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में एनडीए हुकूमत को हटाना होगा और मुल्क को बचाना होगा। इस देश के कब्जा करके इस देश के बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहता है, तो वही इस देश में बहन कुमारी मायावती जी जो अम्बेडकर के सच्चे महान उत्तराधिकारी और सच्चे रुआई है, उन महापुरुषों के सपनों को भारत बनाने के लिए इस देश में बहुजन समाज का सत्ता काम करने के लिए उन्होंने महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए अम्बेडकर वाद विचारधारा। भागलपुर के बिहार मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने हड़ताल की। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उन्हें टाइपिंग के इम्तिहान से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मुजाहरीन ने मांग पूरी ना करने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। कुछ लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहा है, कोई 12 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है। काम करने के साथ एजेंसी चेंज होते रहती है स्वास्थ्य विभाग में डाटा ऑपरेटर के लिए। जब एजेंसी चेंज होती है, जो भी नया एजेंसी को राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य मिलता है कार्य करने के लिए, वो लोग हमेशा एग्जाम लेके नियुक्त करता है। जब एग्जाम लेके हम लोग को नियुक्त किया गया और फिर से उर्मिला इंटरनेशनल को दोबारा उन्हीं को मिला गया राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कार्य करने के लिए, तो जब हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति जब नियुक्त किया गया उर्मिला को और उर्मिला के नियुक्त किए द्वारा नियुक्त किए हुए हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर जी हम लोग उर्मिला एजेंसी के माध्यम से सभी डाटा ऑपरेटर बहाल हुए हैं। पहले भी बहाल हुए थे जब, तो हम लोग सबको टंकन एग्जाम देकर के आए हुए थे, और जब फिर कंपनी की खत्म होने लगी गोपालगंज में जमीन के तनाजे को लेकर दो फरीकों में लड़ाई हुई। इसी दौरान तेजाब से हमला किया गया। इस वाकये में एक शख्स की मौत हुई जबकि दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। यह वाकया हतुआ थाना के मुछागर जगदीश गांव में पेश आया। तेजाब हमले में जख्मी दो अफराद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वाकये के बाद पुलिस ने 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस ने 7 मार्च को शहर में डाक बंगले के करीब दिन दहाड़े सोने के ताजिर से सोने की डकैती का पता लगाया। इस मामले में एक मुलजिम सैयद अली रजा हाशमी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत डाक बंगला चौराहे के पास एक घटना हुई थी, जिसमें एक स्वर्ण व्यापारी की करीब 2 किलो से थोड़ा अधिक सोना जो है लूट लिया गया था। तो उसका जो है हमारी एक टीम बनाई गई, उसके आलोक में घटना को सफल उद्भेदन करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में कुछ इंस्पेक्टर्स और अलग ऑफिसर्स का, जिसका लिस्ट आपको दिया जाएगा, एक टीम बनाई गई। उन्होंने काफ़ी जल्दी जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, टेक्निकल एंगल से इन्वेस्टिगेट किया और सीसीटीवी को खंगाला गया और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो गैदर किया गया, और उसके बाद जो है कल जो है हमारा इस कांड। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला अख्तताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।